आज हम बनाएंगे दो तरह के फजेस। फज एक सॉफ्ट कैंडी है जिसे मक्खन, दूध और शक्कर को मिला के बनाया जाता है। इसमें कई प्रकार के फ्लेवरिंग्स डलते हैं और ये बिल्कुल मिनटों में तैयार हो जाती है। तो इस दिवाली अगर आप सोच रहे हैं कि किसी को कुछ गिफ्ट करें अच्छा सा, तो ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। तो आइए देखते हैं कॉफ़ी वॉलनट और रसमलाई फज। ऐसे अनेक रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल द मूडी फूडी को। जो पहली रेसिपी हम देखेंगे वो है कॉफ़ी वॉलनट फज। इसके लिए जो सामग्री हमें चाहिए वो बाज़ार में आपको आसानी से मिल जाएगी। इसके लिए हमें चाहिए मिल्क कंपाउंड, ये तीन वेरिएंट्स में आता है। तो इसमें हमने मिल्क कंपाउंड लिया है, कंडेंस मिल्क, बटर, ये नॉर्मल जो सॉल्टेड बटर मिलता है वो है, कॉफ़ी, इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर, वॉलनट्स मतलब अखरोट। इसको फ्लेवर करने के लिए हमने ऑरेंज मार्मलेड का इस्तेमाल किया है जो कि ऑरेंज जैम है। बस इतने से इंग्रेडिएंट्स में तैयार हो जाएगा हमारा फज। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स नाप के तैयार रखें। सबसे पहले एक पैन में हम अखरोट को टोस्ट कर लेंगे। इसे हल्का सा गर्म करना है बिल्कुल, और फिर इसे जब ठंडा हो जाए तो इसे हम क्रश कर लेंगे। इसे अब हम साइड में रखेंगे। जो चॉकलेट है हमारा उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। ये जितने छोटे टुकड़े करेंगे इतना जल्दी ये मेल्ट हो जाएगा। इसमें जो चॉपिंग बोर्ड और नाइफ यूज़ करेंगे बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। फिर एक ट्रे को हम लाइन कर लेंगे बटर पेपर के साथ, और इसी पैन में हम डालेंगे चॉकलेट, कंडेंस मिल्क और बटर को। इसका जो कुकिंग टाइम है वो बहुत ही कम है, तो इसके लिए सारे इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करना पहले से ही बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही जल्दी पिघल जाएगा और बस 4 या 5 मिनट में ये मिश्रण तैयार हो जाएगा। ये पैन के साइड छोड़ने लगेगा। अब इसमें डालेंगे कॉफ़ी पाउडर। यहाँ मैंने 1.5 बड़े चम्मच मिलाई है, लेकिन अगर आपको ये स्ट्रॉन्ग लगे तो थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर इसमें मिलाएंगे मार्मलेड, ऑरेंज और जो कॉफ़ी है उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और फिर उसमें मिलाएंगे अखरोट जो हमने टोस्ट करके रखे थे। इसमें से आप थोड़े अखरोट ऊपर डालने के लिए भी रख सकते हैं, पर मैंने पूरे के पूरे इसमें मिला दिए हैं। अब इसे पैन में डाल देंगे जिसमें हमने बटर पेपर लगाया हुआ है, और इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। ये जैसे ही आप इसमें डालेंगे ये अपने आप सेट होता जाता है, तो इसे बहुत जल्दी जल्दी करना है हमें। अब इसे रूम टेम्परेचर पे आने देंगे, अब ये सेट होता जाएगा, और फिर इसे फ्रिज में रखेंगे 2 घंटे के लिए जिसमें ये पूरी तरह से सेट हो जाएगा। फिर इसे निकाल के अपने हिसाब से टुकड़ों में काट लें, छोटे बड़े, मैंने 1x1 के टुकड़े किए हैं। बस हमारा फज तैयार है। तो ये है कॉफ़ी वॉलनट फज। जो दूसरे फज की रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं उसका नाम है रसमलाई फज, जिसके लिए सामग्री कुछ इस प्रकार से है। जहाँ हमने पहले वाले फज में मिल्क चॉकलेट का इस्तेमाल किया था, यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे वाइट चॉकलेट का। तो ये वाइट मिल्क कंपाउंड हम यूज़ करेंगे, कंडेंस मिल्क, बटर और रसमलाई फज के लिए हमें चाहिए मावा, जो इन दिनों बहुत आसानी से मिल जाता है, दूध, थोड़ा सा और केसर, और इसमें हमने इस्तेमाल किया हुआ है पिस्ताशियोस, पिस्ता और थोड़े से बादाम का, और कुछ एसेंसेस और फूड कलर। ये सारे इंग्रेडिएंट्स को नाप के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने मेजरमेंट्स दिए हैं उसी के हिसाब से आप ले लीजिए। सबसे पहले हम केसर को दूध में मिला लेंगे और उसी में हम फूड कलर को भी डाल देंगे। फूड कलर आप ऑरेंज या येलो कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चॉकलेट को हमने चॉप कर दिया है और ट्रे को बटर पेपर लगा लिया है।
सबसे पहले हम जो मावा है उसे पैन में मेल्ट करेंगे, ये आसानी से मेल्ट हो जाता है। और फिर इसमें मिलाएंगे चॉकलेट, कंडेंस मिल्क और बटर। इसे अब अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसका कुकिंग टाइम बहुत ही कम होने के कारण ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है और ये पैन के साइड छोड़ देता है। इसे ज़्यादा ना पकाएं, नहीं तो इसमें से जो बटर है वो अलग होने लगेगा। अब इसमें मिलाएंगे इसके फ्लेवरिंग्स, थोड़ा सा एसेंस, जो केसर का दूध हमने बनाया था उसे डालेंगे और फिर इस मिश्रण को हम अपने ट्रे में डाल देंगे। आप इसमें चाहिए तो इलायची का पाउडर भी मिला सकते हैं, बट क्योंकि मैंने इसमें केवड़ा एसेंस यूज़ किया है तो मैंने इलायची को स्किप किया है। ऊपर से डालेंगे कुछ चॉप किए हुए पिस्ताशियो और आलमंड्स, इसके मैंने छिलके निकाल दिए थे और इसे फाइन चॉप कर लिया था। इसे आप एक स्पून की सहायता से थोड़ा सा दबा दें ताकि ये नट्स इसमें अच्छे से सेट हो जाए। अब रूम टेम्परेचर पे इसे आने देते हैं और फिर इसे फ्रिज में रख के 2 से 3 घंटे के लिए सेट करेंगे। टुकड़ों में काट देंगे और बस तैयार है हमारा स्वादिष्ट रसमलाई फज। तो इस दिवाली इसे ज़रूर बनाएं और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरा चैनल फॉलो करते हैं तो आपने इसके पहले जो हमने दिखाए हैं वो पान फज और चोको रेजिन फज और सॉल्टेड कैरेमल फज भी देखे होंगे, तो आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। अगर ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल मूडी फूडी को, बेल आइकन भी प्रेस करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आप सबको हैप्पी दिवाली।